जिले में 41 राज्य शासकीय विद्यालय महज 7 को बनाएगा परीक्षा केंद्र। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों की सूची में इस बार भी जिले के राजकीय विद्यालयों की तरहीज नहीं मिली है। बोर्ड के मानक पर राजकीय विद्यालय खरे नहीं उतर सके। जिले के 41 राजकीय विद्यालयों में से महज 7 को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी वित्तविहीन विद्यालयों को तरहीज दी गई है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता देने का निर्देश है। शासन का निर्देश है कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र की सूची में वरीयता दी जाए। इसके लिए राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों को सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा, लैब, छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है और बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बनाए जाने को लेकर इन विद्यालयों ने संबंधी आधारभूत सूचनाएं भी दी, मगर सारी प्रक्रियाओं के बाद भी केंद्र की सूची से बाहर रहे। बोर्ड द्वारा जारी 197 परीक्षा केंद्रों की सूची में 41 राजकीय विद्यालयों के सापेक्ष महज 7 को केंद्र बनाया गया है। 78 सहायता प्राप्त विद्यालयों में 78 केंद्र बने हैं और इस तरह 682 वित्तविहीन के से 142 वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। यही हाल पिछले शिक्षा सत्र में भी रहा और 210 परीक्षा केंद्रों में 4 राजकीय, 78 सहायता प्राप्त और 138 वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। डीआईओएस डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि 3 जीआईसी कॉलेज डिबार घोषित किए गए हैं और परीक्षा केंद्रों की सूची में राजकीय विद्यालयों की संख्या कम है। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।